2018 की शुरुआत कई बड़े फ्लैगशिप स्मार्टफोन से हुई है। कई कंपनियों ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस को बाजार में पेश कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं जोइता और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी टेक्शाला। हम बात कर रहे हैं मई महीने में लॉन्च होने वाले कई फ्लैगशिप डिवाइस की, जिनमें वन प्लस से लेकर नोकिया, मोटो, सैमसंग तक के कई स्मार्टफोन्स शामिल है। वन प्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन 17 मई को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। बाजार में इस फोन के फीचर्स और कीमत को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी हैं। फोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ हाजिर होगा। इस वेरिएंट की कीमत 48,800 रुपए हो सकती है। वन प्लस 6 में 6.2 इंच का एमोलेड कैपेसिटिव QHD प्लस टच स्क्रीन डिस्प्ले होगा। वन प्लस 6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया होगा। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के इंटरनल स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। नोकिया HMD ग्लोबल भी इस महीने नोकिया सीरीज में विस्तार करने जा रही है। नोकिया X, जिसे नोकिया X6 भी कहा जा रहा है, 16 मई को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। ये फोन भी एप्पल आईफोन X की तरह नॉच फीचर के साथ पेश होगा। कंपनी इस फोन को रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज के आधार पर दो वेरिएंट में पेश करेगी। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर और 6GB रैम दी गई होगी। स्टोरेज की बात करें तो ये 128GB स्टोरेज के साथ मौजूद होगा। Honor 10 कंपनी इस महीने की 15 तारीख को लंदन में इस फोन को ग्लोबली लॉन्च करने जा रही है। इस फोन में 5.84 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 6GB रैम और ड्यूल रियर कैमरा दिया है। इसके अलावा इस फोन में सिंगल फ्रंट कैमरा है। ये फोन 3400mAh बैटरी के साथ पेश होगा और इसकी कीमत करीबन 30,000 रुपए हो सकती है। Xiaomi Mi A2 Xiaomi ने अपने इस अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इस फोन को मई में लॉन्च कर सकती है। फोन में 5.99 इंच का FSD प्लस डिस्प्ले मौजूद होगा। 660 स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 6GB और 4GB रैम और 20 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर मौजूद होगा। इस फोन में 3010mAh की बैटरी मौजूद हो सकती है, जो कि 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। Xiaomi Redmi S2 कंपनी इस महीने अपना एक और मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। इस फोन में ड्यूल रियर कैमरा, 6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर होगा। ये फोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर काम करेगा। इस फोन को 3 वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसमें 2GB रैम प्लस 16GB स्टोरेज, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज मौजूद होगा। टेक जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज.in के साथ।